तो उसके मैंने बहुत यूज कर ली है। जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो वाल वगैरह डैमेज होते ही इसके। गरारे की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल दांते कटे पड़े हैं इसके। तो दोस्तों पूरा सेट नया डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके वाल भी लीकेज है, देख सकते हैं आप, वाल टेढ़े हो चुके हैं इसके। वाल्स के लीकेज हो चुके हैं। तो ये इसका ब्लॉक है। तो दोस्तों एक कराएंगे मैं दिखाता हूँ आपको मैं कि इसमें आवाज है, देख रहे ना। तो इसका पूरा क्रैंक काम करना पड़ेगा। तो कोई ग्राहक को बुला के पूछ लेता हूँ इंजन पूरा करवाना है क्या करवाना है, क्योंकि सारा कुछ इसमें बताना होगा इस गाड़ी के अंदर, तभी आगे चलूँगा मैं। तो दोस्तों जैसा भी है जुड़े रहना मेरे साथ। तो दोस्तों मैं इस गाड़ी को खोलने लगा इंजन, तो क्योंकि मैं इसमें पूरा प्रॉपर काम करना चाहता हूँ कि दिक्कत ना आए बार बार। जिस हिसाब से क्रैंक की प्ले है और चीज़ें निकली हुई हैं, तो दोस्तों इसका पार्ट 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 बाई पार्ट वीडियो बनती रहेगी। दोस्तों जैसा भी आप देखते रहना। अब सारे नट बोल्ट मैंने खोल लिए हैं, अब खाली इसको नीचे उतारना मैंने, तो आपको खोलते हुए और दिखाता हूँ मैं इसका, और बाकी सारा सामान चेक करवाता हूँ क्या क्या निकलता है। जुड़े रहिए जैसा भी है मेरे साथ। सारा हिस्सा मैंने खोल चुका हूँ, तो हर चीज़ की नोटिस करी जा रहा हूँ मैं, क्या क्या ख़राबी है, क्लच प्लेट वगैरह, हाफ सेंटर कैसे क्या दिक्कत है। तो खोलते समय हर चीज़ का ध्यान दें, जैसे कि ये गरारे के दांते टूटे पड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ से, तो ये टूट के अंदर गया होगा, अंदर कहीं ना कहीं फंस जाएगा, इसलिए पूरा इंजन मुझे करना होगा। और क्या आती चीज़ें और
ये गिरारी दे सकते हो आप, ये गिरारी बिल्कुल कट चुकी है। देख रहे हो ये पूरी गिरारी कट चुकी है ऐसे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, जैसा भी है आपको दिखाता रहूँगा मैं। तो भाई ये इसका उतार दिया इंजन। तो ये है इसकी क्रैंक की चाल, देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कोई फोन क्या क्या करता है। ये चीज़ें ध्यान रखें, जो पहली बार खोल रहा है ना गाड़ी, तो दोस्तों चीज़ों को ध्यान रखें, जहाँ रखना वहीं रखें, इकट्ठा सामान ढूंढने में दिक्कत ना आए। ये सिम लगी है यहाँ पे जहाँ हर चीज़ के लिए, तो हर चीज़ को हिला हिला के चेक करना है, हर चीज़ को हिला हिला के चेक करें, जैसे बैरिंग बुरी खराब नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। Thank you.
तो दोस्तों इसका मैंने टिक का लॉक निकाला है, तब जाके चैम्बर बाहर आ गया है। तो ये आपकी क्रैंक, ये आवाज़ करिए, गियर बॉक्स के सारे दांत चेक करने होंगे मुझे। और एक सिम सबसे पहले ऊपर लगती है, देखिए, उसके बाद ये सिम यहाँ पे है। तो दोस्तों सारा हिस्सा मैंने खोल दिया है, अब खराद का सामान जो निकाल लूँ एक बोरी, क्या क्या निकलता है। और इस बैरिंग का खास करके मुझे ध्यान रखना होगा, अगर ये ख़राब है चेंज करना होगा मुझे। तो दोस्तों मैं खराद का काम करवा लेता हूँ एक बारी, सफाई करके फिर फिट करता हूँ उसको मैं, जैसा भी आपके सामने है जुड़े रहिए मेरे साथ।